दैनिक राशिफल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के राशिफल की। 13 सितंबर 2024 का दिन मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, संपूर्ण चर्चा नक्षत्रों के आधार पर होगी और उपाय भी नक्षत्रों के आधार पर, और नवतारा के हिसाब से मैं बताऊंगी कि आपका नक्षत्र के हिसाब से आज आपका दिन कैसा है और आपको क्या खास फैसला आज नहीं लेना है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो मंगल प्रधान राशि है और जो चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा आज मंगल की दृष्टि के अंदर है और आपके चंद्रमा चल रहे हैं 9th भाव के अंदर। 9th भाव में चलते हुए चंद्रमा आपको भाग्य का सपोर्ट देंगे क्योंकि 9th भाव है भाग्य का और साथ में मंगल की दृष्टि भी आ रही है। तो मंगल की दृष्टि वहाँ से आने के कारण आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, हिम्मत वाले रहेंगे, बहुत अधिक प्रयास करेंगे सफलता प्राप्त करने के लिए, आलस्य आप नहीं करेंगे और आज आप यात्रा भी करेंगे। छोटी यात्राएं ही होगी और यात्रा छोटी बड़ी कोई सी भी हो आपको उससे फ़ायदा होगा। साहसी और पराक्रमी भी आप रहेंगे और इसी के कारण आप कुछ नया करने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी नया आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मित्रों का और छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, साथ ही साथ अपने पिता से संबंध सामान्य बनाए, पिता का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। बिजनेस में कुछ बड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज का आप में काफ़ी हिम्मत पराक्रम रहेगी, आप ला सकते हैं। कुल मिला के देखें तो मंगल और शुक्र का भी योग बन रहा है और चंद्रमा चल रहे हैं शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ में। जब भी चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलता है बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है धन के लिए, काफ़ी अच्छा बड़ी मात्रा में धन अगर आपके पास आ सकता है। अगर आपने कहीं पे उधार दिया हुआ है तो वो भी आपके पास लौट के आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात करें तो आज आपको मजाक में अपने पार्टनर से कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उनको अंदरूनी चोट पड़े, यानी कि ऊपर से वो दिखाएंगे नहीं कि उनको ये बात बुरी लग रही है परंतु वो अंदर ही अंदर दुखी होंगे। तो मजाक में भी अपने पार्टनर को दिल को चुभने वाली बात न बोलें क्योंकि आज आपकी पूरी सफलता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। आपका जितना व्यवहार मधुर रहेगा उतने ही आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। आज आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा चल रहे हैं शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। बहुत ही प्यारा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसमें चंद्रदेव आके काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ दिन है आपका, कुछ भी पेंडिंग कार्य जीवन साथी से संबंधित है, कहीं आना है, जाना है, शॉपिंग करना है, वो कार्य आज आपके हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने अपना डेली चेकअप कराने हॉस्पिटल में भी आप जा सकते हैं। मेहनत बहुत अधिक आज करनी पड़ेगी तभी आपको परिणाम मिलेगा। बुजुर्गों का भी आपको सहयोग है, विशेष करके पिता का आपको सहयोग बना हुआ है। क्या उपाय करेंगे, सबसे पहले आप नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो आज 10वीं तिथि है, चंद्रमा धनु राशि में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चल रहा है जो कि शुक्र का है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो राहु काल को टालें। आज का राहु काल 10:50 के आसपास शुरू होएगा जो 12:20-22 तक चलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप शाम को कीजिए 4:50 से लेकर 6:25 के बीच में, ये समय श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आज का दिन सौभाग्य योग भी लेके आ रहा है तो आज किसी को भी कोई भी आपको अगर सौभाग्य सूचक वस्तुएं देता है किसी भी स्त्रियों को तो उसका स्त्री का सौभाग्य बढ़ता है। तो बने रहिए चैनल पे। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले बात करें कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपके जीवन में आज धन आएगा, वेल्थ आएगा, आपको बहुत सा धन आज प्राप्त हो सकता है। अगर आपका नक्षत्र भरणी है तो भरणी वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। नाम अक्षर भी देखते जाइए, नाम के अक्षर भी लिखे हुए हैं और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके भी बहुत ही बढ़िया शानदार दिन रहने वाला है। सबसे बढ़िया रहेगा कृतिका वालों के लिए और अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। कृतिका वालों के लिए तो ये है कि अगर वो कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या डॉक्यूमेंट पे साइन करना चाहते हैं, कोई बड़ा एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो कृतिका वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई मित्रता करना चाहते हैं उसके लिए भी बढ़िया है। अश्विनी वालों को धन देके जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद। वृषभ राशि वालों के लिए 13 सितंबर का दिन खास रहेगा, इनको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि में चंद्रमा चल रहा है और 8वें घर के अंदर चल रहा है। 8वें घर में चंद्रमा चलने के कारण आपको बिजनेस में लाभ हो सकता है या अचानक से कुछ न कुछ धन प्राप्ति हो जाए, रुका हुआ धन भी मिल सकता है, कैसे भी करके धन आपके पास आएगा। मंगल से भी इसका दृष्टि संबंध बना हुआ है इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी रहेगा और आप हर कार्य को करने की, अपनी हर इच्छा पूरी करने के आप भरसक प्रयास करेंगे।
धन तो दिला देगा ये, परंतु मन के अंदर आपके अचानक से असुरक्षा की भावना भी आ जाएगी, क्योंकि 8th भाव में चंद्रमा चल रहा है। थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि शुक्र के नक्षत्र में है, इसलिए समृद्धि लाएगा। वाणी के कारण या वाणी भाव को ये सीधा देख रहा है, इसके कारण अपनी वाणी के कारण रिश्ते खराब न करें। वाणी में पारदर्शिता रखें, वाणी के अंदर आप नम्रता रखें। ये दोनों चीज़ आपने वाणी में कर ली तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति आज हो सकती है। घर परिवार का सहयोग मिल सकता है, कुटुंब का सहयोग मिल सकता है। वाणी के घर को देख रहा है, इस कारण से आज आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बना के चलना पड़ेगा। बहुत सी इच्छाएं जो आपके जीवन में अधूरी रह गई है, सभी के साथ होता है, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, परंतु आज आप अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए परेशान होते हुए नजर आएंगे। तो इस पर अपने नियंत्रण बना के चलें, अपने आवेश पर, अपने अग्रेशन पर, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जीवन का लक्ष्य धन प्राप्ति तो होता ही है। जो धन आपके पास कोई दिक्कत है नहीं, परंतु जीवन की प्रॉब्लम के बारे में आप ज़्यादा मंथन करेंगे, चिंता करेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है, इससे आपको बचना है। वर्क प्लेस के ऊपर भी, अगर आप जॉब में हैं, व्यापार में हैं, तो वर्क प्लेस के ऊपर विवाद को टाल के चलें। जो लोग फूड से संबंधित काम कारोबार में है या जो लोग हेल्थ से संबंधित काम कारोबार में है, उनके लिए ये दिन बढ़िया बीतने वाला है। आज नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो आज दशमी तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कि शुक्र का है, इसलिए श्री सूक्त का पाठ करने से आपके धन प्राप्ति की स्थितियाँ जल्दी से निर्मित होगी और बड़ी मात्रा में भी धन मिलेगा। सौभाग्य योग बना हुआ है, इस कारण से अपने जीवन साथी का सम्मान करें और जीवन साथी को वाणी के द्वारा परेशान न करें। राहु काल का समय 10:50 के आसपास स्टार्ट होकर 12:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य न करें। कोई महत्वपूर्ण शुभ कार्य करना तो इसको टाल के चले। बाकी शुभ समय जो बहुत बढ़िया है वो है 4:50 शाम से लेके 6:25 के बीच में। बाकी सुबह सुबह भी अच्छा टाइम होता है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आज आपको शुक्र के नक्षत्र का तो उपाय करना ही है, साथ ही साथ वाणी के द्वारा, मजाक के द्वारा किसी को घायल नहीं करना है। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से नवतारा के लिए देख लें कौन के लिए लोगों के लिए दिन बढ़िया है। जिनका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में हुआ है, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंदर और वृषभ राशि है, तो आप लोगों को आज बहुत अच्छा दिन रहेगा। आप कोई बिजनेस डील साइन करना, कोई पेपर वर्क करना, कोई मित्रता करनी है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। आपको कोई सा भी कार्य करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। जिन लोगों का रोहिणी नक्षत्र है, वो भी कोई बिजनेस पार्टनरशिप साइन करना, मित्रता करना, कोई पेपरों पे साइन करना, शॉपिंग करना, लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग करना, सबके लिए बढ़िया है। परंतु जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है और वृषभ राशि है जिनकी, उन लोगों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। उनको जैसा टाइम चल रहा है उसको निकालना चाहिए। कोई एग्रीमेंट करना, कोई शॉपिंग करना, कोई विवाह सगाई, कुछ भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को आज। तो ये था नक्षत्रों के हिसाब से आपका राशिफल। बने रहिए चैनल पर, अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद। मिथुन राशि वालों की बात करें तो 13 सितंबर 2024 का दिन मिथुन राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। शुक्र के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी हर जगह प्रशंसा होगी। कहीं से रुका हुआ धन, अगर रुका हुआ था, किसी ने उधार दिया था, अभी तक नहीं दे रहा था, तो आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करने पड़ेंगे। व्यक्तित्व इतना निखरा हुआ रहेगा, प्रभावशाली रहेगा कि लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और आज आप में एनर्जी भी बहुत अधिक रहेगी। आप आज अपने सेल्फ एफर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। आपको जितनी भी सक्सेस मिलेगी वो आपके खुद के प्रयासों से मिलेगी। चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, इसलिए एनर्जी भी अधिक रहेगी, पराक्रम भी अधिक रहेगा, मेहनत भी अधिक रहेगा। बस इस मेहनत, पराक्रम और ऊर्जा को आप आवेश में न बदलें, क्रोध में न बदलें, क्योंकि अगर आपने क्रोध किया, आवेश में आए, तो आपके रिश्ते खराब होंगे, जिससे आपकी सक्सेस प्रभावित हो सकती है। और आज आपका दिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। आपका व्यक्तित्व अलग ही तरीके से निखरेगा, पॉजिटिव वे में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, पैसा आएगा, कॉन्फिडेंस होएगा और घर के लोग भी आपको पसंद करेंगे। सब जगह बढ़िया सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसे तरीके से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है जो कि अपरंपरागत रूप हो, यानी कि जैसे कोई बिजनेस से करता है और कोई अपने नौकरी से पैसा कमाता है, परंतु आज आप अलग ही तरीके से पैसा कमाने का जरिया ढूंढेंगे और उससे आपको धन लाभ होएगा। ठीक है, आपके लिए दिन बढ़िया है। ऑफिस में आए हैं, अगर जॉब के अंदर है तो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, उसके कारण आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, आपके खिलाफ़ लोग बाग बोल सकते हैं,
ये आपके खिलाफ ऑफिसर्स के कान भर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें, चंट चालाक बने, क्योंकि बुध की राशि भोलेपन की राशि है। राजकुमार ग्रह है आपकी राशि का स्वामी, इसलिए आप भोलेपन में लोगों के द्वारा कई बार ठगे भी जाते हैं। तो आज अपना बुध का प्रभाव न रखें, शनि का प्रभाव रखें, तेज चालाक बने, जब भी आपके कार्य वर्क प्लेस पर आप लोगों को बीट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आज सावधान रहने का दिन है वर्क प्लेस के ऊपर। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, उनको आज सक्सेस मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का जीवन चल रहा है शादीशुदा जोड़ों के लिए, आज ज़्यादा एक्सेप्टेशन अपने जीवन साथी से न रखें। कई बार आप ऐसा भी सोचें कि लोगों की हमसे क्या एक्सेप्टेशन है, और उनकी एक्सेप्टेशन के हिसाब से आप चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। सेहत के अंदर थोड़े से कफ की प्रॉब्लम रह सकती है, या आपको कोई मानसिक चिंता रह सकती है। मानसिक चिंता नहीं होगी तो आपको क्रोध की अधिकता रह सकती है, क्योंकि आज एनर्जी रहेगी ज़्यादा। पंचांग का देखें तो दशमी तिथि है, साथ ही साथ नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है शुक्र का। शुक्र के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा बेहतर परिणाम देंगे। श्री सूक्त का पाठ ये श्रवण प्रातः उठते ही कीजिए, सौभाग्य योग भी है। इसलिए आज सभी को अपने जीवन, महिलाओं को अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए और उनको उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को शुरुआत करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप राहु काल का त्याग करें। राहु काल का समय 10:51 सुबह से स्टार्ट होकर 12:22 तक चलेगा। और कोई अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप अमृत काल में कीजिए, शाम को 4:50 से लेकर 6:25 तक, ये श्रेष्ठ टाइम है। बाकी अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखें कि किन लोगों के लिए आज मिथुन राशि के हैं और दिन आपके लिए सही है या सही नहीं है, तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा के 2 चरण आते हैं, तीसरा और चौथा। तो मृगशिरा वृषभ राशि में भी आता है और आपकी मिथुन राशि में भी आता है, परंतु अंतिम 2 चरणों में आपका जन्म है मृगशिरा है, तो मृगशिरा वालों के लिए आज का दिन सही नहीं है। उनको किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई भी पेपर वर्क नहीं करना चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, न ही कोई एग्रीमेंट बिजनेस के अंदर करना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म हुआ है आद्रा नक्षत्र में, उनके कोई ना कोई अचीवमेंट आज मिलेगा, कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी उनको, उनका दिन बहुत ही बढ़िया बीतेगा आद्रा वालों का। और जिनका पुनर्वसु नक्षत्र के पहले दूसरे तीसरे चरण में जन्म हुआ है, उनके कार्यों में रुकावटें आएंगी, रुकावटों के बाद ही उनके कार्य संपन्न होंगे। तो नक्षत्रों के हिसाब से ये फल मिल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य।